मैंने आज तक इतना सुंदर अंतरपाट कभी नहीं देखा है। थैंक यू। बाप रे। मैं आई एम गोना कुक फूड फॉर माय पेरेंट्स एंड भाभी का। तो मेरा फैमिली के साथ भी वैलेंटाइन बनता है ना। हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम काजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। Just few more days and I'll be married from Miss Jadhav to Mrs. Patil. Wow! सब तैयारियां चालू है और अभी मैं सुबह इतने जल्दी उठ के बिना नहाए जा रही हूँ नेल्स करने। दिस इज माई फर्स्ट टाइम मैं बिना नहाए बाहर जा रही हूँ क्योंकि मेरा जो वैक्सिंग का अपॉइंटमेंट है वो थोड़े दोपहर में है, तो मैं वैक्सिंग के बाद नहाना चाहती हूँ। सो इसलिए मैं अभी नेल्स करी, तब तक मेरी वैक्सिंग लेडी भी यहाँ पे आ जाएगी, फिर वो मेरा घर पे वैक्सिंग करेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नेल्स करने एंड आई वाज सो कंफ्यूज कि मुझे क्या नेल्स करने चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम जो मैंने नेल्स किए थे ना, मुझे इतने ज्यादा पसंद आए थे, मन तो कर रहा था कि वही रिपीट करो, बट आई वाज लाइक नहीं यार, एक तो मैं ज्यादा नेल एक्सटेंशन करती नहीं हूँ, तो अगर कर रही तो कुछ डिफरेंट ही करती हूँ, बट इट इज सम वॉट सिमिलर टू दैट ओनली, बिकॉज मुझे कलर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो वो जैसे लास्ट टाइम ट्रांसपेरेंट गोल्डन ग्लिटर नेल्स थे वैसे ही मैं कुछ करने वाली हूँ। एंड घर में भी फुल तैयारी वैरी चालू है। मैंने भाभी का देखो मेरे लिए क्या बना रही है। टाना, वाओ, वेरी नाइस सिस्टर। ये इसको अंतरपाट बोलते हैं। ये जब दूल्हा दुल्हन ऐसे खड़े रहते हैं ना, तो उनके बीच में एक पर्दा होता है, वो शुभ मंगल सावधान जब करते ना, तब ये वाला पर्दा हम यूज करने वाले हैं। एंड आई वॉन्टेड कि भाभी का मेरे लिए बनाए। ये मार्केट में ऐसे मिल जाता है कोई भी शेप डिजाइन साइज वाइज में, बट मैं चाहती कि भाभी का मेरे लिए बनाए एंड देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। क्या बोलना चाहती हो? कुछ नहीं, अभी आज ये मेरी कम्बर ये करेगी। क्या करेगी? तोड़ूगी। ओके, तोड़ दूंगी। ये रहे पार्सल्स फॉर राज, फॉर सौम्या। मेरा प्लान था कि मुझे पुणे जाके इनके मॉम डैड को इनवाइट करना था, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज टाइम क्रंच, तो मैं अभी इनको डिलीवर करा रही हूँ। अभी मेरे डैड कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मुझे आप सबको मेरा वेडिंग कार्ड दिखाना था। ये मेरे घर का वेडिंग कार्ड है, विकी घर का अलग है, वो भी मैं बाद में दिखाऊंगी। सो दिस इज माई क्यूट सा वेडिंग कार्ड। इसको अभी ओपन करने मुझे कंडल आ रहा है, तो मैं इसको शॉर्टकट और आई डोंट नो इफ यू गाइज नोटिस ऑन ऑट, बट ये वाला पिक्चर जो है ना, ये हमारा जो एंगेजमेंट वाला था ना पिक्चर, उससे ड्रॉ किया गया है। एंड फिर ये रहा बाकी का इन्फॉर्मेशन। आई गॉट माई नेल्स डन, आई केम होम, आई गॉट माई वैक्सिंग ऑल्सो डन, और फिर इतना थकान हो गया ना मुझे, तो फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए, और अब मैं रेडी होके जा रही हूँ मेरे रिसेप्शन ड्रेस के लिए। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं रिसेप्शन ड्रेस के चक्कर में ना एटलीस्ट 3 बार विजिट कर चुकी हूँ, बट वो फिटिंग में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। एंड आई होप अभी जो मैं लेने जाऊंगी वो एकदम परफेक्टली हो जाए मुझे। वैसे लास्ट टाइम जो मैंने वेयर किया था ना, तो ऑलमोस्ट मुझे हो चुका था, बस छोटा मोटा चीजें थी जो मुझे चेंजेस करनी थी, तो मैंने वो कर लिए। एंड आपको मेरी नेल्स देखने होंगे, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। टाना, सो दीज आर माय वेडिंग नेल्स। एक्चुअली मुझे कुछ और थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर चाहिए था, बट वो उनके पास था नहीं, एंड मेरे को इतना घाई घाई हो रहा था ना कि मैं उनको ना ढूंढने का टाइम भी नहीं दिया, वो लाइक जो है वो लगा दो, लेट्स सी। एंड आई थिंक अभी तो ये ऐसे दिख रहा है, इसके ऊपर जब मेहंदी लगी ना तो ये और अच्छा लगेगा। एंड भाविया का काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है, ये देखो। वू, गुड जॉब सिस्टर, थक गई ना? मैं करूँ कुछ? तुझे बुलाया था। तब मैं कुछ कर रही थी, क्या करने लगाने वाली थी मुझे? ये बैकग्राउंड। ओ, बट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने आज तक इतना सुंदर अंतरपाट कभी नहीं देखा है, आई थिंक हमारा ही होने वाला है। एंड हमें बहुत लोग ऐसे बोलने वाले कि मेरे वेडिंग में मैं भी ऐसा करने वाली हूँ। ऑल थैंक्स टू भाविका, गुड जॉब सिस्टर। पीछे भी करना है? और पीछे क्यों करना है? तो एक ही साइड से रहेगा क्या, विक्की के साइड पे कलर? हाँ, ओह शिट।
डबल वर्क है यार, मेरे को पता था, मैं बोलती ही नहीं करने तुझे। मैंने ना सोचा है कि मैंने कैसा एक छोटा सा बॉक्स टाइप कुछ तो बनाऊंगी और उसमें ना मेरे सारे सब जो शादी वाले मेमोरीज है ना उसमें सब स्टोर करके रखूंगी और फिर जब मैं और बड़ी हो जाऊंगी फिर मेरे बच्चे होंगे मैं उनको दिखाऊंगी और तब मैं उनको बोलूंगी ये तुम्हारी मासी ने बनाया था। गाइज मैं विकी के साथ फटाफट टेंशन में आ गई मेरा रिसेप्शन ड्रेस लेने एंड जो विकी का रिसेप्शन आउटफिट था वो भी फिटिंग में एकदम परफेक्ट हो गया और वो इतना मस्त लग रहा है, मतलब उसका फिटिंग है तो वो घर पे ही आ गए थे आउटफिट लेके और मेरा मैं यहाँ पे आ गई और मेरा ड्रेस विकी सीधा जाने का है, सीधा जाने का, हाँ मायरा करके दुकान है इस तरफ। ओके, तो मेरा ड्रेस भी मैंने पहना एंड एकदम परफेक्टली परफेक्ट हो रहा है मुझे, आई एम सो हैप्पी। और अब मैं मेरा और एक ड्रेस है वो ले रही हूँ, मैंने मेहंदी के लिए एक ड्रेस लिया था विकी यही के पे, वो अब लेना है मुझे। मैं मेरा मेहंदी का आउटफिट जब वहां से ले रही थी तब मैंने लगे हाथ और थोड़ी शॉपिंग कर दी क्योंकि और एक इन्फ्लुएंसर की शादी है मेरे शादी के ठीक दो दिन बाद, मैं अभी रिवील नहीं करूंगी बिकॉज उस पर्सन ने भी रिवील नहीं किया है एंड उसका भी थीम वाइज कपड़े है न्यूट्रल टोन और न्यूट्रल टोन में मेरे पास कुछ था नहीं ट्रेडिशनल तो मैंने ले लिया और एक न्यू आउटफिट एंड इट इज सच अ प्रिटी साड़ी, इट्स नॉट साड़ी साड़ी, इट्स लाइक अ हाफ साड़ी इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ अ थिंग। मैं घर पे आ चुकी हूँ, बाद में होगा, क्यों यार अभी दिखाती हूँ ना मैं, मस्त बना है बट उसका वन मोर साइड पेंट करना बाकी है। वाओ पंडित जी बोलेगा ओ माय गॉड ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, देखो ऐसी कुछ नहीं। हाँ वाओ इतना मस्त है, इट्स अनदर डे वंडरिंग है फिर से मैंने वो वाला मेकअप एंड कपड़े क्यों पहने, तो एक्चुअली बात ऐसी हुई कि हमारा जो ओवरऑल पे शूट हुआ था इसमें से एक मेन शॉट था वो करप्ट हो गया तो हम लोग फिर से उसे रीशूट कर रहे हैं एंड आज मेरे बेडरूम की हालत एकदम खराब हो गई, मेरे बेडरूम की हालत ऑल बिकॉज ऑफ यू, कुछ दिन का तो क्योंकि मेरा भी शूट था, मतलब मेरा तो सब सामान रेडी है लेकिन इसका ब्रांड शूट था। मेरी मम्मी पापा को डांट रही है तो भाविया का ब्रांड शूट है ना तो सब फिगर आउट कर रही है क्या पहनना क्या नहीं, इसलिए इतना मेस क्रिएट कर रखा है। एंड गाइस टुडे इज वैलेंटाइन डे, मैंने कल रात को ना विकी को स्विगी इंस्टामार्ट से सरप्राइज भेजा, एक रोज एक कार्ड एंड हिज फेवरेट चॉकलेट एंड उसका रिएक्शन बहुत ही क्यूट था, वो एकदम ये हो गया कि अरे वाह लड़की अभी रोज भेजती है, वाह वेरी नाइस। और मैंने विकी के लिए एक लव लेटर भी लिखा, एक्चुअली मैंने विकी को बोला है इस साल ना हम एक दूसरे को कुछ भी एक्सपेंसिव गिफ्ट विफ्ट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी शादी में बहुत खर्चा हो गया और फिर मेरा बर्थडे भी तो आ रहा है तो उसे और खर्चा है ही, तो मैंने बोला वैलेंटाइन को लेट्स नॉट मेक इट गिफ्ट वाला थिंग, लेट्स राइट अ लव लेटर टू ईच अदर। तो मैंने रात को बैठ के उसके लिए एकदम मस्त सा क्यूट सा लव लेटर लिखा, गिफ्ट मैं लाया यार क्योंकि मन करता है ना कुछ तो गिफ्ट देने का, अभी गिफ्ट मुझे कुछ तो देना था एक बॉक्स में जिसके ऊपर मुझे लिखना था हस्बैंड टू बी बट बॉक्स लाने का टाइम नहीं मिला, एक्चुअली बॉक्स मैंने लिया था वही कि वो डॉल के पास रह गया, तो अब जो मैंने ब्राइड्समेड वाला बॉक्स लिया था पिंक कलर का मैं उसमें दे रही हूँ एंड आई थिंक पिंक इज अ क्यूट कलर, लड़कों भी पसंद है तो विकी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो इग्नोर द मेस, ये मेरा पिंक बॉक्स और ये रहा विकी का गिफ्ट, ये गेम उसे चाहिए था तो मैं दे रही हूँ एंड दिस इज ऑल्सो लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी क्योंकि अब मुझे भी गेम्स खेलना पसंद है ऑन PS5, तो अब जब हमारी शादी होगी तो हम टीवी पे जब ये गेम लाएंगे तो दोनों साथ में खेलेंगे। ये रहा विकी के लिए लिखा हुआ लव लेटर और मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर मेरे कर देती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ग्लॉस लगा दिया है एंड नाउ हियर आई गो। और ये मैं हो गई हूँ वैलेंटाइन रेडी, सुबह वाला हेयर मेकअप, बस मैंने कपड़े चेंज कर दिए वैलेंटाइन वाले एंड हियर इज माय वैलेंटाइन। हाय हैप्पी वैलेंटाइन विकी, हैप्पी वैलेंटाइन, एंड ये हमारा लास्ट वैलेंटाइन रहेगा गाइस एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नेक्स्ट ईयर एज अ हस्बैंड वाइफ, मिस करेंगे हम। अभी हम लंच करने आए हैं टू कीप इट सिंपल। हाय तो मेरा है, तूने मुझे दिया है ना ये तो। क्यूट, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी वैलेंटाइन। अब मैं विकी को उसका गिफ्ट देने वाली हूँ, आप लोगों ने तो ऑलरेडी देख ली, सो विकी आर यू रेडी? कैसा लगा?
बहुत भारी। वो ऐसे चॉकलेट दिया जो तूने मुझे दिया था, जो तूने मुझे दिया। और ये एक लव लेटर है, ये नहीं देखना, इसे मैं देखूंगा। अरे उनको मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है, कैसा लगा? बहुत भारी, ये मेरा करंट फेवरेट गेम है। मैंने बोला उनको, पर मैंने उनको ये भी बोला, मैं ले रहा था पर मैं लेने ले रही नहीं दे रही थी, बोल रही थी नहीं मैं ही दूंगी मैं ही दूंगी, खेल ही नहीं पाया था। तो फाइनली अब ये खेल भी नहीं पाऊंगा। क्यों? अभी क्या, कल से फुल बिजी। वो थोड़े दिन मैंने तो तेरे बोला कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों साथ में खेलेंगे। और गाइस सबसे मजेदार चीज है ये, क्या है ये? टू प्लेयर्स है यहां पे, काजल और मैं खेलेंगे। ओह नाइस, आज अ लव लेटर। हां वो अभी तेरे की गाड़ी में सब मिलेगा, रुक जा। हाय गाइस, आधी डेट छोड़ के मुझे घर पे आना पड़ा क्योंकि मेरे को बहुत लो फील होने लग गया, मेरे को बहुत ऐसा एग्जॉस्टेड गर्मी फील होने लग गया था, और मैंने कुछ दवाइयाँ भी ली थी, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट तो मैं अभी घर आ चुकी हूँ। एंड आई एम गोना रेस्ट फॉर सम टाइम, क्योंकि मेरा ऐसा प्लान था कि मैं दिन में विकी के साथ रहूँगी और फिर शाम को मम्मी डैडी के लिए मैं डिनर बनाऊंगी, बिकॉज व्हाई नॉट। अभी थोड़े दिन बाद मैं विकी के घर जाऊंगी तो मैं विकी के लिए खाना बनाऊंगी, तो आई थिंक माय पेरेंट्स आल्सो डिजर्व मेरे हाथ का खाना। सो दैट इज़ व्हाई मैंने आज डिसाइड किया है कि ये वैलेंटाइन सिर्फ विकी के साथ नहीं बट मेरे मॉम डैड एंड भाभी के साथ भी होगा। ऐसे कुछ फैंसी तो नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी मेरी हालत इतनी ख़राब है ना, मेरे को तो बात भी नहीं करने हो रहा है। सो आई एम जस्ट गोना कुक अ बेसिक दाल चावल एंड सब्जी, तो लेट्स सी। अभी फिलहाल मैं थोड़ा एक दो घंटा सोऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत एक्सट्रीम लो हो रहा है। बंद करूंगा अरे एक मिनट तो ये चाल लेगा मौका बुक लिए और भाई लेटर के दे एक मागे लाज तो है बस काय लीले मी आता वाचणार तुला काय वाटत फुल हँडमेड आहे भाई बाप रे एक झलक दिखा दे नीचे तो हां अबे तुम लोग ऐसा आर्टिस्ट तो नहीं है वैसे जितना मतलब मैंने किया है ओ माय गॉड वाओ क्रिएटिव वेरी नाइस मजा ऐसा लगना नहीं चाहिए ना भाई पैसे दिए 100 रुपये और कार्ड लेके आए पूरा कटिंग सेटिंग चिपका के गम में सब किया है अपने लास्ट वीडियो में देखा ही गेव मी दोस रोजेस और इसके ऊपर एक कार्ड था जो मैंने निकाल दिया ये मुझे संभाल के रखना है एंड ही गेव मी दिस कार्ड ये उसने खुद डेकोरेट किया है कितना क्यूट लग रहा है मतलब मैंने भी कभी उसको इतना डेकोरेट करके दिया नहीं आज तक और इसके अंदर है ये कार्ड लुक एट दिस ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने बेबी ने मुझे बना के दिया ऐसा लग रहा है और कितना क्यूट है ये वेट आई शो यू ऑल काजू आई लव यू मतलब ये क्रिएटिविटी देख रहे हो तुम लोग ऐसे खोलने वोलने का मैटर की होना डी बाई को आई लव यू दो जाऊ अनि खाऊ बाबू टुगेदर ऑलवेज और अंदर उसने कुछ तो लिखा है मेरे लिए सो क्यूट। ओके गाइस तो मैं आ गई हूँ मेरे किचन में, आई एम गोना कुक फूड फॉर माय पेरेंट्स एंड भाभी का। दाल चावल बनाने वाली हूँ सिंपल और एक आलू वाली सब्जी बनाने वाली हूँ मैं, कटाई लव आलू। अभी मैं इतने बड़े मेस में थी ना क्या बताऊं, हम लोग से कुकर बंद ही नहीं हो रहा था, ऐसे नहीं हमको आता नहीं है पर इस कुकर में कुछ तो हो गया था। तो मेरी मम्मी घर के बाहर है तो मम्मी भी फुल पैनिक किया, अरे तुम लोग किचन का वाट लगा दोगे, मत करो मत करो। तभी फाइनली मम्मी ने बोला कि वो सीटी निकालो, रबर कुछ तो नया आया है वगैरह वगैरह, तो फाइनली भाविका ने इसको लगा दिया। मेरे सारे शादी के कपड़े आ चुके हैं, मतलब जो बचे हुए थे। लुक एट दिस, गिविंग यू अ स्मॉल ग्लिम्स, दिस इज माय ब्लाउज, दिस इज समथिंग। भाविका अभी तक ये कर रही है, एक्चुअली एक साइड पे हो गया अब दूसरे साइड पे कर रही है। और भाविका ने इसको होल्ड पे रख दिया था, ये सोची कि डॉल्स होम में आ रही तो उनको भी साथ में काम पे लगा दूंगी, बट उनको हाँ सबको काम पे लगा दी, सब लोग थोड़ा थोड़ा पेंट करेंगे बट उनको थोड़ा
डिले हो रहा है तो भाभी का छोड़ो मैं ही कर लेती हूँ, भाभी का भी कर रही है, मी करूँ हेल्प? हाँ मैंने आज रखा है ये, मैंने फॉर्मेलिटी के लिए पूछा, नहीं करना है। गाइस फूड इज रेडी, हैव अ लुक। ये रहा क्या बोलते हैं इसको, जीरा आलू, आलू जीरा जो भी कह लो, एंड देन हियर इज माय दाल, और ये रहा राइस। और मैंने मम्मी डैडी भाभी के लिए 3 रोजेस निकाले उस बुके से जो मुझे विक्की ने दिया था। हेलो एंड वेलकम टू कीकीज किचन। आज मैंने खाना बनाया आप सबको लिए, बिकॉज इट्स वैलेंटाइन डे, तो मेरा फैमिली के साथ भी वैलेंटाइन बनता है ना, तो मैंने बहुत सिंपल कुकिंग की है, दाल चावल एंड आलू जीरा। तुम लोग खाना और बताना कैसा लगा। मेरी मम्मी बहुत अच्छा कुक करती है, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी मम्मी की तारीफ करते हैं। को विक्की हमेशा बोलता है तू कुछ मत कर, तू बस तेरी मम्मी जैसा खाना बनाना सीख, विच इज अ बिग टास्क फॉर मी, क्योंकि मुझे बहुत लिमिटेड चीजें आती है। हैप्पी वैलेंटाइन, हैप्पी वैलेंटाइन, हैप्पी वैलेंटाइन। भाभी को फाइनली किसी ने तो रोज दिया। तेरे उम्र में मम्मी का भी बॉयफ्रेंड था। नहीं मम्मी की तो शादी शादी हो चुकी थी, तू भी शायद थी। यही था वो बॉयफ्रेंड। सब इतना तारीफ कर रहे हैं तो मैं देखती हूँ कि एक्टिंग तो नहीं ना कर रहे हैं, तो मैं जरा खाके देखती हूँ अभी। अभी रात के 3:30 बजे है और मैं यहाँ कर रही हूँ मेरे ब्लॉग की एडिटिंग, एंड वी हैव सौम्या एंड डॉल इन द हाउस, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग भाविका। राज भी आया है लेकिन वो विक्की को मिलने गया है। अब सबको मैं आपको अच्छे से कल मिलाऊंगी। अब फिलहाल मैं बाय बाय करती हूँ, बिकॉज़ इट्स टाइम टू स्लीप। बाय।